नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश चाटी और सिलसिला बाजारों का में आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, सोमवार का दिन है। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर रूपाजी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज के भावों के ऊपर। तो आज हम देख रहे हैं हफ्ते के पहले कारोबार दिन गोल्ड इस वक्त $1,859 पर है, आधे फीसदी की करेक्शन के साथ, और सिल्वर भी $25 पर है, 0.25% की करेक्शन के साथ। हम देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर हफ्ते के पहले कारोबार दिन लाल निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं वो भी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग है हल्की फुल्की, लेकिन सोना चांदी अभी भी तेजी की ओर यानी मजबूती की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन सोने में खरीदारी करके चलना सही रहेगा या बिकवाली, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी देख रहे हैं आज गोल्ड और सिल्वर हफ्ते के पहले कारोबार दिन लाल निशान पर है, हालांकि जो लेवल्स हैं वो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या साल के अंत तक सोना एक नया हाई लगाते हुए नजर आ पाएगा? देखिए, आज सोने में हल्की करेक्शन देखने को मिल रही है, जहां पर डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई है, जिसके चलते सोने में ऊपरी स्तरों पर फिलहाल दबाव बनता हुआ दिखाई दिया और इसकी वजह से सोना जो है ऊपरी स्तरों से लुढ़का है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा नीचे में 1840 से लेकर ऊपर में 1860 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आने पर 1880 तक जा सकता है, और बिल्कुल साल के अंत में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है सोना $1900 का लेवल एक बार टच करता हुआ दिखाई दे। और वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 50,000 तक का स्तर हो सकता है कि देखने को मिल सकता है। जी, यानी कि साल के अंत तक सोना निवेशकों को काफी अच्छा मुनाफा कमवाता हुआ नजर आ सकता है, चाहे वो फिजिकल मार्केट वाले हों या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि एक बार फिर से बढ़त के बाद कच्चे तेल में मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से डिमांड फैक्टर ओपेक द्वारा कम किया गया है लेकिन 2022 के लिए पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ऐसे में यहाँ पे कच्चे तेल में कमी आना ये कोई फंडामेंटली आ रही है या फिर ये ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग है? देखिए जी, कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली है। दरअसल एक तो डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई है, उसकी वजह से कच्चा तेल लुढ़का है। वहीं दूसरी तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट के अंदर ये स्पेकुलेशन है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ऑयल रिलीज किया जा सकता है यूएस से, जिसकी वजह से कच्चे तेल के अंदर जो ऊपरी स्तरों पर जो है वो दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, और इस वजह से कच्चा तेल स्लिप होता नजर आ रहा है। और हमने अच्छी खासी आज करेक्शन भी आते हुए देखी है, और ये करेक्शन अब हो सकता है कि बढ़ती हुई दिखाई दे, जिस तरीके से जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके का स्पेकुलेशन मार्केट में देखने को मिल सकता है, और दूसरी तरफ ऑयल सप्लाई बढ़ सकती है। ये सारे फैक्टर्स जो है अब थोड़ा सा डर पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कच्चा तेल जो है ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। जी, ये सर जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स का बाजार भी देख रहे हैं आज लाल निशान पर है, हालांकि लेवल्स थोड़े ठीक ठाक ही हैं लेकिन लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, आज बेस मेटल्स का बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी इंट्राडे में कैसे देखने को मिल पाएगा? देखिए, बेस मेटल्स में अभी तेजी का ही रुझान है, आज हल्की गिरावट जरूर दिखा रहा है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। थोड़ा बहुत नीचे ऊपरी स्तरों से लुढ़कता है 738 के आसपास, तो वहां पर जो है वहां पर 738 के आसपास जो है एक बार इसके अंदर प्रेशर जो है खरीदारी लौटते हुए देख सकते हैं। आज इंट्राडे में 738 तक एक बार लुढ़क सकता है, और वहीं ऊपरी स्तरों की बात करें तो 742 का स्तर है, उसके ऊपर निकलता है तो वापिस से तेजी की तरफ जा सकता है। वहीं अगर बात करें निकल की, तो निकल में अभी भी तेजी है और मुझे लगता है कि ये तेजी कॉन्टिन्यूशन में बनी रह सकती है। निकल के अंदर बायो डिप की स्ट्रेटेजी रखी है, ऊपरी स्तरों से आज जरूर आधा फीसद लुढ़का है लेकिन 1520 के आसपास आता है या 1518 की रेंज मिलती है तो वहां पर वापस से 1500 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग किया जा सकता है। जी, रूपा जी जाना चाहेंगे आपसे आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो कौन सी नॉन एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, आज मुझे लगता है कि बेस मेटल में गिरावट के अंदर खरीदारी की रणनीति रखनी चाहिए। कॉपर अगर 736 की रेंज में आता है तो वहां पर बाइंग करके चला जा सकता है, और वहीं निकल 1500 के अराउंड मिलता है तो वहां पर बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।